तुम्हारा क्या तुम दही टूट रहा है? 3 घंटे लग जाएंगे। अरे 3000 दिमाग की ना लगी पड़ी है, ठीक लग रही है ना? छोटा सा कुछ दे पा रही हूँ उनको, तब बोलूंगी तो आउट हो जाएगा। फ्री की आ जाती है, कितने की आई? और इतना महंगा गिफ्ट। हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल लेकर के आप लोग को पता चल गया है कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में ना बहुत टाइम से था कि मुझे मम्मी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट करना है, सो आई डिसाइडेड कि मुझे मम्मी को एक गोल्ड रिंग गिफ्ट करनी चाहिए। सोचा तो मैंने ये था कि यूट्यूब की जब फर्स्ट इनकम आएगी ना तब करूँगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि यूट्यूब की फर्स्ट इनकम मेरी काफ़ी कम थी। बट अभी इंस्टा और यूट्यूब दोनों की मिला करके मैंने खुद से पैसे जोड़े और मैंने मम्मी के लिए एक रिंग लेने की सोची है। मुझे खुद के लिए भी एक गोल्ड रिंग लेनी थी, तो मम्मी को मैंने यही बोला है कि मैं खुद के लिए एक रिंग लेने के लिए जा रही हूँ नानी के साथ, क्योंकि मम्मी को पता लगना ही था। नानी को थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि मैं 2 रिंग लेने वाली हूँ। एक तो मुझे ये रिंग है मेरी, ये मेरी तांबे की रिंग है, मैंने राशि की बनवाई थी, बट इसमें सीन ही हो रखा है कि मैं जब भी इस रिंग को पहनती हूँ ना अपनी रिंग फिंगर के अंदर, तो मुझे दांत हो जाते हैं, अजीब तरीके की खुजली होती है। बेसिकली मैंने पीतल और तांबे की 2 बनवाई थी, एक पुखराज और एक इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी नक होता है रेड कलर का। तो अब इसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट करवाऊंगी, पुखराज वाली ऐसी रहने दूंगी पीतल में। सो मम्मी के लिए गोल्ड की रिंग लेनी है। बजट मैंने सोच के रखा हुआ है कि अच्छा ठीक है 50 तक में मेरा सारा काम हो जाए। सो देखते हैं, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सारी चीज़ें बताऊंगी, कितने की पड़ी, कैसे बाय की, कहाँ से ली। वैसे लेने के लिए तो मैं धनौरा आई हूँ स्पेशली अपनी नानी के घर पे, क्योंकि यहाँ से नानी काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकती है कि भाई ये वाली गोल्ड की रिंग लो, और वो काफ़ी टाइम से हम उनसे ही लेके आ रहे हैं जो भी कुछ सोन का सामान चाहिए होता है, क्योंकि मुझे गोल्ड वगैरह के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अब चलते हैं, जल्दी से जाकर के आपको काफ़ी सारी रिंग्स दिखाती हूँ, जो पसंद आती है वो ले लेते हैं और मम्मी को सरप्राइज देंगे। वो देखने के लिए आप ब्लॉग को एंड तक देखें। कोई ये हमारे यहाँ के मेहमान है, ये बंदर हमें कहीं निकलने नहीं देते। भगाओ नानी इन्हें। कहाँ है बंदर? नानी देखो ऊपर भी है, होने दे। और ये मेरी बहादुर नानी जो बंदर बहाने भाग गई है। आजा बंदर कुछ बिना कह सकता, आजा आ जा। फाइनली हम जा रहे हैं, रास्ते में पैदल ही निकलते हैं, पास में जाना है, ज़्यादा दूर है नहीं। अरे कितना डरोगे तो कैसे करोगे? हाँ डरोगे तो मरोगे और मरना नहीं। चल चल, चलो आपको शॉप पे चल करके मिलती हूँ मैं। ये वाली अंगूठी है, इसमें ना ये वाला नग लगवाना है। ये वाला नग लगना है, ये द्वारे बनेगी इसमें लगाने का। नहीं नहीं ऐसा करना, नीचे से तो कुछ नहीं करना, बस इसके ऊपर खाली उतना फिट करना, वहाँ पर लगा दूँगा जैसे भी लगाओ। हल्का फुल्का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं अंगूठी तो सही है, ऐसे कैसे? वो मम्मी वो नानी ये यहाँ से अगर उसे खोलेंगे तो ये साइज तो ऑटोमेटिकली छोटा होगा ही ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं कि वो वैसे भी इस उंगली की है बनवानी, मुझे इस वाली उंगली चाहिए, साइज सेम साइज यही चाहिए, ऐसा हो जाएगा, इतना भी तो कोई दिक्कत है नहीं। ये परिवार में टूट गई है, कोई बात ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके कोई चक्कर नहीं, बस आपको हमारा ऊपर का लगा लेकिन आप अगर इसको दोबारा से बनवा लो, ये सलूशन मेरी तरफ से है आपके लिए, अगर आप भी दोबारा बनवाओगे तो मजबूत हो जाएगी, कुछ चल जाएगी, और अगर ये आपने नहीं कराया, मेरे कहना नहीं माना तो मैंने कर दिया, तो मात्र 1 महीने के बाद में 2 महीने के बाद में आप फिर आओगे मेरे पास। 1-2 महीने के बाद ही टूट जाएगी, जल्दी टूट जाएगी ये, अभी टूट जाएगी, अगर मैंने इसको छेड़ा ना तो अभी टूट जाएगी। और अगर ये टूट गई तो मुझे फिर सारा नग निकालना पड़ेगा इसका। नहीं नहीं तो अभी तो कर दिया ही ना, मुझे पता है डॉक्टर को जो पता होता है कि तू कहाँ से जाने वाली है। हम डॉक्टर के डॉक्टर हैं। हाँ वो जो कह रहा हूँ ना, अच्छा
जो सोना पड़ेगा आपका वो देना आपको। अच्छा नहीं बनवाते तब भी यही रेट है? और मैं देखना चाह रहा हूँ आपको, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। कितनी देर में बन जाएगी? अभी बन जाएगी? हाँ हाँ, साफ बन जाएगी। बहुत देर लगे, मैं बनवा रही हूँ भाई। तो ये देख भी इसमें कहाँ से हो रही है? देखो मेरे गेट में आ गया था हाथ। तो ये मुड़ तो गई है, ये तो मुझे भी पता है। तुम्हारा कट लग रहा है? सेकंड तो मेरा लगा हुआ है, वैसे तो जाएगी। बनाओ जी, बनाओ तुम सामने सामने। 3 घंटे लग जाएंगे। अरे 3,000 फिर अंकल ने मेरी तांबे वाली अंगूठी में से नग निकाला, इसका वेट किया और साथ में गोल्ड वाली का 1 ग्राम कुछ हारा था। और फिर फटाफट से जो गोल्ड वाली थी उसको मेल्ट करना स्टार्ट किया, उसका ना ये ऐसे कुछ पर्ल टाइप में बना दिया। ये देखो कितना प्यारा सा, इतना सुंदर सुनहरा मोती टाइप लग रहा था। उसके बाद फिर इसको मेल्ट करके एक शीट में कन्वर्ट किया कुछ इस टाइप की, बिल्कुल लाल हो रहा था जब भी इसे गर्म कर रहे थे। और इतनी बार गर्म किया, फिर इतनी बार इसको मारा कूटा पीटा, उसके बाद इसको ऐसे मशीन में निकाला। ये टाइम पास कर रही थी अपना फ़ोन चला चला के इतनी देर। और फिर उसके बाद अंकल ने ये शेप दे दी रिंग की, मतलब छल्ला बन गया बेसिकली। उसके बाद ये ऊपर लगाने के लिए जो नग जिसके अंदर फिट करना है वो बनाया। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ गोल्ड का मत देख रही हूं। सडनली मुझे ना कुल्फी की आवाज आ रही है कहीं से है तो, लेकिन ये इधर की तरफ आए। ये कुल्फी वाले भैया यहीं आ गए। भैया 2 कुल्फी दे दो अंदर। आप ही खाओगे? एक 10 वाली, एक 20 वाली। नानी के घर पे मैं जब भी होती थी तब मैं मोस्टली इन्हीं वाले भाई की कुल्फी खाती थी। तब इनका बाबू कुल्फी वाला नाम था। ये अब वो क्वालिटी नहीं रही जो पहले बनाते थे। ये तो बड़ी आप खा रहे हो ना, और जाओ बड़ी हो जाओगी नानी के बराबर। जल करे पहले जब हमने खाई थी बचपन में खा ली है वो क्वालिटी देखो बननी बन हो जाएंगी, मिलने की नहीं है आपको। वही हो रहा है, ये वाली वो क्वालिटी नहीं है। तो अब 1 रिंग तो मेरी हो चुकी है रेडी। नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी तो बिल्कुल अच्छी लगेगी ये, और हाथों पे वेल। अभी दूसरी वाली मैं बाय करूंगी, वो रेडीमेड लेंगी। रिंग लेनी थी, हल्की नहीं चाहिए डेली वेज के हिसाब से, तो वैसे ही दिखा दो अब गले शूट के लिए। चंदा है तो ये वाली अच्छी लग रही है। हम दूसरी शॉप पे आए हैं क्योंकि वहाँ पे ना इतने अच्छे कलेक्शन दिखाई नहीं देते, तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा मिल पाता है कि नहीं। तेरा मोती की देखो, तेरी मर्जी भैया। जब बनवाने की बात थी तब तो हमने बहुत इजीली बनवा ली, बट अभी जब लेने की बात आ रही है ना, दिमाग की ना लगी पड़ी है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से लें। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मतलब 2-3 शॉप्स और एक्सप्लोर करती हूँ। तो 2 शॉप्स हम ट्राई कर चुके हैं अच्छी अच्छी वाली यहाँ की, अभी एक पे और जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं क्योंकि रेडीमेड लेने का प्लान है। और प्राइस भी भाई 15,000 से ऊपर ही बता रहे हैं, कहते हैं कि 16,000 में आपकी 2 ग्राम तक की, क्योंकि सोना यहाँ पे 7,000 रुपये पर ग्राम हो रखा है इस टाइम पर। देखा मुझे सोने के भाव भी पता चल चुके हैं इतनी जल्दी। सो लेट्स सी कि कितने की पड़ती है, कैसा रिंग का डिज़ाइन होता है। सुबह रही है, अच्छा सीधे चलना है। ओके मुझे चैन काफी टाइम से लेनी थी, और सडनली प्लान बनता है कि चैन ले लेती हूँ 18 कैरेट में। मुझे ये वाली अच्छी लग रही है क्योंकि ये सिंपल सुबह डिसेंट सी है। कर दो कर दो कर दो कर दो। जय माता दी। तो फाइनली लग रही है ना, चलो ब्लॉक करवा देते हैं। ये देखो चिपका लिया।
सब कुछ लेकर के आ चुके हैं। मैं फटाफट से नहा धो करके आती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा चिपचिप सा फील हो रहा है। और फिर माता रानी की पूजा करेंगे क्योंकि माता रानी की मूर्ति यहाँ पर नानी के घर पे नहीं है। सो हम ऐसे बस याद करके उनसे पूजा करेंगे। तो चलो जल्दी से मैं नहा धो करके आती हूँ। फाइनली गाइस मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ। खाना वाना मैंने सब कुछ खा लिया है। सो अब माता रानी को याद करते हैं और सारी चीज़ें पहनना शुरू करते हैं। मतलब सारी क्या, दो ही चीज़ें हैं तो दोनों चीज़ें पहनना शुरू करते हैं बेसिकली। ये मेरे जेवर, मम्मी वाली रिंग रखी हुई है। मम्मी वाली रिंग हमने अलग शॉप से ली थी और जो मेरी खुद की रिंग है वो अलग शॉप से ली है। तो वो आपको रिंग सिर्फ तभी दिखाई देगी अगर आप ब्लॉग को एंड तक देखोगे। माता जी सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। जय माता दी। माता रानी मुझसे तो भूल चुके, क्षमा कीजिएगा। मैं आज ये रिंग और सोने की चैन लेके आई हूँ। हम लोग अपनी कृपा दृष्टि बना के रखी। सो शू शडाक मैंने अपनी रिंग पहननी शुरू कर दी। देखो कितनी प्यारी लग रही है। एकदम पतली ही चाहिए थी मुझे ये। मेरी 3 ग्राम 3.5 ग्राम की है। 3.5 ग्राम की चैन बनवाई और बाकी 2.5 ग्राम की अंगूठी। दोनों चीज़ें मुझे मिला करके पड़ी 35,000 की। और मम्मी का सब कुछ मैं रिंग वगैरह उनको पहनाने के बाद, क्योंकि वो पूछेंगी तो तब आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि कितने के लिए क्या है क्या नहीं। क्योंकि मेरी माँ नहीं चुप रहने वाली है भाई। अगर उसे मैं गिफ्ट करूँगी रिंग गोल्ड की, वो भी सीधे कितने के लिए क्या है, क्यों खर्चा किया, अभी खुद के लिया था ना था सारा सामान, तो सीधे ये बोलेंगी मुझे। चलो इसे पहनते हैं। जय माता दी। पता, मैंने पहले सोच रही थी कि माता रानी का एक लॉकेट और बनवाऊँ, फिर मैंने सोचा अभी थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो रहा है बाद में बनवाऊंगी। पहले मैंने ना माता रानी की रिंग सोची थी, बट रिंग का मुझे चलता है यार हाथों को ना हम कहीं कहीं पे कहाँ कहाँ यूज़ कर लेते हैं। मतलब कितनी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वॉशरूम वगैरह जाने में भी यूज़ कर, क्या हो रहा है ये, वॉशरूम वगैरह जाने में भी यूज़ कर रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार ये नहीं करती, तो फिर मैंने स्किप किया कि रिंग में नहीं माता रानी की मूर्ति होनी चाहिए। तो मैं लॉकेट सोच रही हूँ कि कुछ टाइम बाद, अभी नहीं, अभी तो चैन ली है यार बस। फाइनली मैंने पहन ली। तो अब हम मम्मी के साथ मिलेंगे आपसे। सो फाइनली गाइस, इस व्लॉग की थी सारी क्लिप्स को अपने पास स्टोर करते करते इतना टाइम हो चुका है कि मेरे फ़ोन का स्पेस भर चुका है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। बट अभी सामान पैक करके मैं जा रही हूँ मम्मी के घर हाथरस, और वहाँ जा करके मिलूंगी और उनको जो रिंग देनी है वो सब कुछ आपको अब पता चलेगा। ठीक है, फाइनली हम पहुँच गए। रात हो गई यार। जाते ही मुझे मिलता है ये टेस्टी मटर पनीर की सब्जी का खाना। मैंने और मम्मी ने साथ में खाना बैठ करके खाया, काफी सारी बातें की और काफी थक भी गए थे, तो हमने सोने का प्लान किया। रात को काफी ज्यादा थक चुकी थी तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी नहीं करते हैं। सो आज सुबह से हम मम्मी का रिएक्शन ना थोड़ा थोड़ा नोटिस कर रही हूँ, तो वो काफ़ी ठीक ठीक खुश से मूड में लग रही थी। दोपहर को उन्होंने मुझे बोला कि तेरे पास आकर के रेस्ट करूँगी, क्योंकि मतलब वैसे वो अदरवाइज फूफा जी के साथ रहती हैं। तो अब मेन चीज़ मेरे दिमाग में ये है कि दोपहर को मम्मी आने वाली हैं, तो तब मैं उनको सरप्राइज़ करती हूँ। और मैंने प्लानिंग भी करी कैसे करना है। रिंग को मैं अपने सिरियाने के नीचे रखूंगी और जैसे मम्मी आके लेटेंगी तो मैं मम्मी को बोलूँगी कि आँखें बंद करो ये वो। सो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या करने वाली हूँ। वेल, जो मेन चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी वो ये थी कि थैंक यू सो मच गाइस। मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। आप लोगों के बिना ना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। मतलब यार आज ना मेरे दिल में इतने सारे इमोशंस चल रहे हैं। खुश हूँ, इमोशनल हूँ, डर भी है कि मम्मी पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगी। इमोशनल इसलिए हूँ क्योंकि एज अ सिंगल मदर उन्होंने मुझे और गर्विता दोनों को बचपन से लेकर के पाला है। मतलब मैं 5 साल की थी, ठीक है मैं अडॉप्ट हो गई थी, बट स्टिल उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मतलब अडॉप्शन के बावजूद वो हमेशा मेरे साथ खड़ी थी, गर्विता उनके पास रहती थी हमेशा।
तो उसका करती थी बचपन में, मुझे लगता था कि मुझे नहीं रखा ये, वो बहुत लंबी स्टोरी है, बट स्टिल अब जाके मुझे लगता है कि यार कोई नहीं करता अडॉप्शन के बाद, किसी को मतलब भी नहीं होता कि ठीक है दे दी दे दी, बट वो हमेशा मेरे साथ ही था, सिंगल मदर, उन्होंने बहुत गाइड किया, वो नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ पे भी नहीं होती, मेरा सॉन्ग वगैरह भी नहीं आया होता, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उनके लिए रिंग बहुत, मैं छोटा सा कुछ दे पा रही हूँ उनको, बट अगर मैं ये भी कर पा रही हूँ तो आप लोगों की वजह से कर पा रही हूँ, सो थैंक यू सो मच गाइस। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ना इस टाइम पर मैं लिटरली शिवर कर रही है मेरी बॉडी। चलो बिना टाइम वेस्ट करें ना, फटाफट से उनको रिंग गिफ्ट करती हूँ और कुछ नहीं बोलना चाहती मैं इस टॉपिक पर, सो यहाँ पे रिंग रख देती हूँ, अब मम्मी आने वाली होंगी फिर उनको गिफ्ट करेंगे। इज्जत ही नहीं, बोलूंगी तो बहुत पता है। अच्छी रिंग दी है मेरी बेटी ने, भगवान सबको ऐसी बेटी दे, और बस और क्या बोलूँ यार, थैंक यू सो मच गाइस, और आप सबको भी थैंक यू सो मच कि मेरी बेटी को यहाँ तक आप लोग लेके गए, और क्या बोलूँ, बस मुझे बहुत डर लगा था, कैसे तुम्हें क्या लग रहा है, अनुपमा है ना मेरे पास, लेकिन ठीक है यार, लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत बहुत प्यारी है, पता अच्छी लग रहा है। हाँ, और गिफ्ट हमेशा अच्छा ही होता है, और इतना महंगा गिफ्ट। अरे मम्मी यार, अभी तो बस ये लिया, इसके बाद हमें घर बनवाना है, बहुत सारी चीजें है, मैं तो घर खरीदूंगी, तो आपके नाम पे खरीदूंगा, मैं सोच रहा हूँ। ना भैया, मेरे नाम से मत खरीदो, तुम अपने नाम से नॉमिनी खुद को रखूंगी, कोई नहीं देखते।
माल के नाम भगवान करे खूब तरक्की करे। अच्छा अच्छा इसमें पहन लो ये नहीं नहीं बेटा सीधे हाथ में तो वैसे भी नहीं। अब मैं अभी मेरी पार्ट वो होगी ना 27 तारीख को वो प्रोग्राम है अभी उसके तीज के तब पहन जाऊंगी। बेटा रोज में खराब हो जाती है अंगूठी मैं सोच के साथ में पहन उतारना पड़ता है मुझे आटा घुस जाता है। मैं अभी तो पहन रही हूँ मेरी वाली तो तुम्हारी में नहीं घुसते मेरे वो अलग टाइप की है और मैंने इस चक्कर में अभी पर्स हो गई थी किसी ने तो उतारा ना मैंने उतारनी पड़ी मुझे मेरी कोई बात नहीं। अच्छा मैं जब प्रोग्राम में जाऊँ तब पहनूँ नई नई ही लगती है पुरानी पुरानी हो जाती है। मैं कल अभी पर्स हो गई परसों से आकर उतार नहीं पाई इसको भी ऐसी ऐसी रखी हुई पहन ले। हाँ अरे तो पहनूंगी लेकिन हाँ तुम्हें ही दे दूँ पहली बता दूँ नहीं मैं किसी ओकेजन मेरी साइड से है भाई। हाँ, हाँ, तो, मैंने तो मेरी साइड अब मेरी एक तुमने मुझे दे दी मेरी हो गई ना इट्स माय मेरी है ना पहली हाँ हाँ तो मेरी मेरे पास हो गई ना मेरी हो गई अभी तो अपने पास रखो तो मैं किसी को भी दूँ मैं चाहे किसी को भी दूँ नहीं गर्विता को नहीं दूंगी मैं तुम्हारे लिए किसी को ओकेजन पे तुम्हें दे दूँ हमेशा जिंदगी आई लव थैंक यू सो मच गाइज ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को एंड करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर देना और साथ में वीडियो को लाइक कर देना आप भी बोल लो आ जाओ वीडियो को लाइक कर दो ओके गाइज वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें तनुष्का शर्मा को और मेरे बेटी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सो मच सो थैंक यू सो मच सो थैंक यू ठीक है मम्मी ने बोल दिया तब तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब बाय बाय लव यू।